नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये मुद्दा लगातार समस्या में बदलता जा रहा है और वो समस्या है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी की। लगातार जिस तरह से गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है उसी तरह उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जो बिजली की समस्या है वो भी बड़ी होती जा रही है। लेकिन हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली की जिस तरह से समस्या बढ़ रही है और लगातार विपक्ष सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहा है, इसको देखते हुए सरकार की तरफ से कई सारी कोशिशें की जा रही हैं ताकि इस बिजली की समस्या को खत्म किया जा सके। उत्तर प्रदेश में करीब 22 से 23,000 मेगावाट बिजली की जो ज़रूरत है वो प्रतिदिन की होती है, लेकिन अगर काम की बात करी जाए या फिर जिस तरह से उसकी उसकी भरपाई की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से पूरी नहीं हो पाती है। 4,000 से 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में है। हम करीब 13,000 से 14,000 बिजली जो है वो दूसरे प्रदेशों से लेते हैं, केंद्र सरकार की मदद से ले रहे हैं, लेकिन लगातार ये जो समस्या है अब और बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है, ऐसे में जो शहरी क्षेत्र हैं, जो मंडल हैं, जो गाँव हैं, वहाँ पर ये बिजली कटौती की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लगातार सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस बिजली की समस्या से निजात पाया जाए। लोगों को ये जो लगातार पावर कट क्राइसिस झेलना पड़ रहा है इस समस्या से निजात दिलाया जाए और इसी वजह से सरकार की तरफ से कोशिश ये हुई है कि 2000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली भी सरकार उसका इंतज़ाम केंद्र सरकार की मदद से करेगी। बताया जा रहा है कि सिक्किम और हिमाचल से करीब 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाने का भी इंतज़ाम सरकार की तरफ से किया गया है। बैंकिंग व्यवस्था भी सरकार की तरफ से उसका भी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। बैंकिंग व्यवस्था वो कि एक समय पर जिन दूसरे प्रदेशों को बिजली दी गई थी उनसे बिजली अभी लेने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा 325 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश से लेने की कोशिश है, 283 मेगावाट राजस्थान से लेने की कोशिश है और उत्तर प्रदेश में ये जो पावर कट क्राइसिस है, ये जो बिजली की समस्या है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी शुरू हो गई है, इससे लड़ने की कवायद, इससे लड़ने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से जारी है ताकि लोगों को समस्या ना हो। लेकिन आए दिन ये जो समस्या है ये बढ़ती जा रही है। लगातार विपक्षी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर बीती सरकारों ने जिस तरह से बिजली के ऊपर बेहतर काम किया था उस काम को और निखारा जाता तो ये समस्याएं खड़ी नहीं होती। कोयले की कमी सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। कोयले की कमी की वजह से हमने देखा था कि पिछले साल में किस तरह से नवंबर दिसंबर में काफ़ी समस्याएं खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी 6 महीने भी नहीं बीते और गर्मी के इस मौसम में अब ये समस्या एक बार फिर से खड़ी हो गई है कि कोयला घरों तक कोयले के जो सही मात्रा में बिजली घरों तक कोयला पहुंचना है वो नहीं पहुंच पा रहा है। 26 दिनों का बैकअप बिजली घरों में कोयले का होना चाहिए, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ज़्यादातर जगहों पर कोयला ना होने की वजह से वहाँ पर बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है या फिर कहीं पर 1 दिन का और कहीं पर सिर्फ 6 दिन का कोयला ही बचा हुआ है। तो सरकार की तरफ से कोशिशें तो बहुत ज़्यादा लगातार जारी हैं, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अधिकारियों को समझाया जा रहा है, अधिकारी भी कोशिश ये कर रहे हैं कि पावर कट क्राइसिस से लड़ा जाए, लोगों को बिजली की समस्या से निजात दिलाई जाए। लेकिन जिस तरह से कोयले की कमी के बाद ये जो समस्या खड़ी हुई है इससे कई सारे सवाल जो हैं वो एक बार फिर से उत्पन्न हो चुके हैं। सवाल ये कि आखिर इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लगातार क्यों खड़ी हो रही हैं, आखिर इस तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं। उस वक्त जब गर्मी अपने पूरे चरम पर है, लगातार तापमान 40 से 45 डिग्री बना हुआ है, शहर के आदमी की बात की जाए, जो शहर का व्यक्ति एसी में अपना दिन बिताता है और जब वो गांव में जाता है और गांव में जब उसे पंखा भी नहीं मिलता है तो आप खुद सोचिए कि जो जीवन है वो कितना ही समस्याओं भरा हो रहा है। और ऐसे में गांवों में जहां पर 18 घंटे बिजली देने की बात कही गई थी वहां मुश्किल से 9 से 10 घंटे ही बिजली दी जा पा रही है। शहरों में, मंडलों में भी ये बिजली कटौती जो है वो लगातार जारी है। कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है लेकिन इस दौरान जो उत्पाद है वो उत्पाद इतना कम है उत्तर प्रदेश में, मतलब बताया जा रहा है कि प्राइवेट बिजली घरों को और सरकारी बिजली घरों को अगर मिलाया जाए तो कुल मिलाकर करीब 9000 मेगावाट ही
बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और जो मांग है वो करीब 22,000 से 23,000 है। तो ऐसे में 13,000 से 14,000 मेगावाट बिजली सरकार दूसरे प्रदेशों से केंद्र सरकार की सहायता से ले तो रही है, लेकिन क्यों इस पर पहले काम नहीं किया गया, क्यों इंतज़ार किया जाता है कि इस तरह की समस्याएं खड़ी हों, और क्यों सरकार उस वक्त का इंतज़ार करती है जब ये क्राइसिस शुरू हुए। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हमारी सरकार ने बिजली पर जो काम किया था, अगर उस काम को बेहतर तरीके से मौजूदा सरकार करती तो शायद बिजली की इतने बड़े क्राइसिस, बिजली की इतनी बड़ी समस्या जनता के सामने नहीं खड़ी होती। ये सारी समस्या जो है वो जनता के सामने बीजेपी ने ही खड़ी की है। हालांकि ये तो राजनीतिक बयान है, लेकिन आम जनमानस, आम जनता की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इस पावर कट क्राइसिस से, इस इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी से जो आम जनजीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हुआ है। सरकार की तरफ से कोशिश है कि कुछ भी करके इस मांग को पूरा किया जाए, जो मांग उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली की बढ़ती जा रही है, उस मांग को, उस समस्या को ख़त्म किया जाए जो लगातार पावर कट क्राइसिस के रूप में उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, और कुछ भी करके जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास जितनी भी बिजली आपको दिन भर में मिल रही है उसमें भी उसकी सेविंग करिए, उसको बचाइए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब बिजली आ ही नहीं रही है तो सेविंग क्या किया जाए। ये सारे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आम व्यक्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमसे आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, और सरकार से सवाल है कि आखिर इस तरह की व्यवस्थाओं को कब दुरुस्त किया जाएगा, आखिर इस समय का इंतज़ार क्यों किया जाता है कि ये बिजली की समस्याएँ खड़ी हो और लोग का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। बिजली संकट दूर होगा, तेजी से दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत। पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। सोचिए, छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें घरों में हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, किस तकलीफ में रह रहे हैं, और कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी। इन मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी बिजली चली जा रही है। तो लगातार ये जो समस्या है उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। अगर बीते दिनों की बात करी जाए, खाली अप्रैल महीने की बात करी जाए, तो अप्रैल महीने में जो टोल फ्री नंबर बनाया गया है जहां पर बिजली विभाग से जुड़ी हुई समस्या या बिजली की जुड़ी हुई समस्याएं बताई जाती हैं, उनकी संख्या करीब 17,000 है और इसका निस्तारण जो किया गया है वो करीब 16,418 है, और 1,80,000 बिजली आपूर्ति की जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, वो दर्ज कराई गई हैं और उसमें भी निस्तारण करीब 1,77,833 हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो समस्या ये बढ़ती जा रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। रामनिवास यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, इसके अलावा जावेद अहमद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अंकुर सक्सेना हमारे साथ RLD से जुड़े हुए हैं, विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयप्रकाश जी जो कि केंद्रीय महासचिव हैं उत्तर प्रदेश केंद्रीय महासचिव हैं उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में। आप सभी मेहमानों का आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जावेद भाई आप ही के पास आना चाहूँगा। ये समस्या जो खड़ी हो गई है अचानक से उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के, ये काफ़ी भयंकर है, काफ़ी भयंकर रूप लेती जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश है, हमारी जो मांग है उत्तर प्रदेश की वो करीब 22,000 से 23,000 मेगावाट की है, लेकिन उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश में हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम 4,000 से 5,000 जो सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के कुल 9,000 मेगावाट बिजली ही उत्पाद कर पा रहे हैं। इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर ये क्राइसिस कैसे खड़ी हुई? क्यों सरकार इस पर कोशिश नहीं करना चाह रही है या कर रही है और वो सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही? क्या लगता है आपको? नितिन भाई, जब मार्च में ही मौसम ने अंगड़ाई ले ली, अगर सरकार उस समय चेत जाती तो संभवतः इतना गहरा संकट नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, जो कई बड़े शहर इस तरीके के हैं कि जहां पर 24 घंटे में 6-7 घंटे से अधिक बिजली नहीं उपलब्ध करा पा रही है सरकार, लोगों के इन्वर्टर तक चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे बिलबिला रहे हैं भीषण गर्म में, ये हम आप सब देख रहे हैं।
देश की स्थिति क्या है, देखिए पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान कुछ आता है, आरके सिंह जी का कुछ आता है और प्रहलाद पटेल जी का बयान कुछ और आता है। तो ये लगातार जिस तरीके से भ्रमित कर देने वाले बयान आते हैं, आपकी रिपोर्ट बता रही है, कई और रिपोर्टें बता रही हैं, उत्तर प्रदेश विद्युत कारपोरेशन के तमाम जो पूर्व अभियंता हैं, जो बड़े अधिकारी रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि ये संकट और भीषण होने वाला है। दो दिन से मांग जरूर घटी है, लेकिन स्थिति क्या है कि देश के 8 बड़े प्लांट तो बंद हो चुके हैं कोयले की उपलब्धता ना होने के कारण। 12 की स्थिति कितनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। विदेशी कोयले से चलने वाले प्लांट जो हमारे साहब के मित्र ने स्टेट बैंक के धन से खरीद लिया ऑस्ट्रेलिया में, वो कोयला 4 महीने बाद आएगा। ये सब क्राइसिस प्रायोजित किए गए हैं, संकट ये पैदा किया गया है या सरकार की लापरवाही है, ये दोनों तरीके से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। जनता को इस भीषण गर्मी में कटौती की किस तरीके से आपदा झेलनी पड़ रही, जो संकट उसके सामने खड़ा हुआ है, ये कौन नहीं देख रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं इस भीषण गर्म में, उसके बाद स्कूलों में बिजली नहीं है, बच्चे किस तरीके से गर्मी में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार का ध्यान उस तरफ भी नहीं जा रहा है। अभी ये मई है, अभी मई जून ये सन, अभी जो केशव मौर्या जी ने कहा अपने बयान में कि संकट जल्दी दूर हो जाएगा, तो जल्दी का मतलब है कि नवंबर दिसंबर में अपने आप दूर हो जाएगा। हाँ। और सरकार कुछ कर भी नहीं पाएगी। हाँ। कौन कहां पर हर राज्य जो उसका उत्पादन कर रहा है वो पहले तो अपने प्रदेश की जो है जो आपूर्ति है उसको सुचारू बनाए रखने का काम करेगा। हाँ। जब बचेगी तब वो दूसरे उत्तर प्रदेश को देने का काम करेगा। हाँ। अब बिजली आवे और उसके बाद सरकार ये कहे कि जब बिजली आने लगे तो आप जो है कटौती करिए, आप जो है उसकी सेविंग करिए, ये क्या उचित है? इन्वर्टर तक चार्ज नहीं हो पा रहे नितिन भाई, ये हम आप सब देख रहे हैं किस तरीके से क्या काम चल रहा है। ठीक है, ठीक तो है, कोशिश करना, कोशिश उसी तरीके से जो जंगल की एक कहानी है कि शेर के बजाय किसी दूसरे को राजा बना दिया गया, वो इस पेड़ से उस पेड़ उछलता ही रह गया और बाद में कहा कि भाई प्रयास तो हमने पूरा किया, बिजली नहीं मिल पाई तो हम क्या करें। अरे डबल इंजन की तो आप लोग कुछ सिखाते क्यों नहीं? आप लोग तो बिजली बता रहे थे चुनाव के दौरान की 300 यूनिट फ्री दे देंगे और यहाँ सरकार बिजली ही नहीं दे पा रही, तो कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग कि क्या फॉर्मूला था वो, उस पर कुछ फोकस वोकस किया जाता? देखिए देखिए ऐसा है ना कि जब सरकार बुलडोजर से चल रही है, सरकार हिंदू मुसलमान से चल रही है। हाँ। सरकार अजान और हनुमान चालीसा के बीच में फंसी है, तो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर उसको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसी पे उसको वोट मिल रहा है और वो पूरी तरीके से अहंकारी होकर काम कर रही इस सरकार में। ना तो प्रधानमंत्री जी जब कोई संकट आता है तो मुंह खोलते हैं, लेकिन किसी विदेशी राजनेता का अगर कुत्ता भी मर जाए तो उसको ट्वीट करने में वो देर नहीं करते हैं दुख जाहिर करने में, लेकिन देश में 700 से अधिक किसान मर जाए, देश बिजली संकट का सामना करे, देश तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करे, इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, केंद्रीय महासचिव हैं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन में। जयप्रकाश जी, ये जो समस्या खड़ी हुई है, आप लोग तो इस समस्या से 2-4 दिन भर हुआ करते हैं, ये समस्या अचानक से क्यों उत्पन्न हो गई? क्या इस पर पहले कोई तैयारी नहीं की गई थी और इसको लड़ने के लिए जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं वो कारगर हैं? सबसे पहले तो नितिन जी और पैनल में बैठे सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद है। सीधे विषय पे आऊँगा, चूँकि आज का विषय बहुत ही गंभीर पूरे देश और प्रदेश में विद्युत के संकट से, जहाँ विद्युत आज जीवन का मूल आधार बन गया है, ऐसे हालात में कहीं न कहीं प्रदेश और देश में हाहाकार है। आपने बड़े सीधे सपाट प्रश्न किया कि इसके लिए पूर्व की क्या तैयारियाँ थी या वर्तमान की तैयारियों की क्या जो संतोषजनक स्थिति, बहुत स्पष्ट रूप से अवगत कराना है। हम बिजली क्षेत्र के इंजीनियर हैं और यहाँ के इंजीनियरों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश भर के इंजीनियर और देश भर के तमाम बिजली सेक्टर का लगातार जुड़ करके अध्ययन करते रहते हैं। महोदय, मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में जहाँ तक स्थिति, पिछले सितंबर 2021 में जब बिजली का संकट आया था, उस समय भी हम लोग ये आगाह करते रहे कि प्रदेश में जो उत्पादन इकाइयाँ हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक सेक्टर की, कोयले की घोर कमी है, कोयले के पैसे का भुगतान न किए जाने से आने वाले दिन में संकट होगा। वह संकट आया, संकट के बाद भी सरकार ने जो भी संभव प्रयास किए और लगभग 1500 करोड़ रुपये भुगतान किया, ऐसी हालत में कुछ स्थितियाँ संकट
विपक्ष उभरी, लेकिन आज पूरे देश में देखा जाए तो जहां पर लगभग 4 जो है जीगा मेगावाट, मतलब 3,99,000 मेगावाट बिजली का स्थापित क्षमता है, वहां 2,07,000 मेगावाट की केवल डिमांड है। उत्तर प्रदेश में लगभग 23,000 मेगावाट की डिमांड है और आज के डेट में उपलब्धता लगभग 20,000 मेगावाट है। तो ऐसे हालात में अंतर बहुत ज्यादा है। आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर क्षमता की, आप जो 20,000 बता रहे हैं, मुझे वो भी नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश में 20,000 का ही उत्पादन। मैं अपडेट कर दूं नितिन जी, उत्तर प्रदेश की इकाई 5400 मेगावाट की जो है स्थापित इकाई, जो उत्पादन निगम की कॉर्पोरेशन की निगम की है। अन्य एनटीपीसी लेकर के जो आपने बताया अभी 9000 मेगावाट के आसपास है। अन्य स्रोतों से प्राइवेट सेक्टर हुआ जो है राष्ट्रीय स्तर के जो पूल है, अन्य स्टेटों से लेकर के ये 19,500 मेगावाट की उपलब्धता करा पा रहा है। ऐसे में भारी अंतर है। हम आगाह यह करना चाह रहे हैं कि जब विगत दिनों में कोयले का संकट था तो हमने इस पे बड़ी प्रमुखता से हाईलाइट किया और कोयले का संकट व्यापक स्तर पे है। मैं यह बताऊं, मैं डाटा के साथ बताना चाहता हूं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कोयले का एक स्टोरिंग करने की एक फार्मूला है जिसको जो है कहा जाता है कोयले की क्राइसिस का कैसे पैमाना आप मापेंगे। तो कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव कोल जो है स्टॉक एक फार्मूला है। राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो 105 जो है थर्मल कोल प्लांट में अभी भी नॉर्मेटिव स्टॉक 25% मिनिमम है, उससे नीचे जाकर के उत्तर प्रदेश की 4 उत्पादन गृहों में अनपरा को छोड़कर आपका ओवरा चाहे आपका परीक्षा चाहे हरिद्वारगंज, वहाँ नॉर्मेटिव स्टॉक की स्थिति 17% है। और जहाँ भंडारण का फार्मूला है कि जो पीट हेड के आसपास है वहाँ 15 दिन, जो पीट हेड से दूर है वहाँ 26 दिन का एडवांस कोयला होना चाहिए। आज 1-5 दिन का अधिकतम कोयला है। ऐसी हालात में उत्पादन की स्थितियों में जो गिरावट आई है, मैं दूसरी ओर ले चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बिजली सेक्टर में। अगर हम कहते हैं कि प्रॉपर विद्युत उत्पादन उपलब्ध भी हो तो पारेषण वितरण की स्थितियों में बड़ी खराब स्थितियां हैं। ना मनी है, ना मटेरियल है, ना मैन है। क्योंकि एचआर की व्यवस्था में भी समय समय पे जो संगठनों का हमारा पक्ष रहा है कि मैन मनी मटेरियल के व्यापक जो है इस पे चर्चा करके समसामयिक इस पे सुधार किए बिना हम बेहतर सुधार नहीं कर सकते। हम केवल खोखली बात करते हैं। मैं आपको अपडेट कर दूं नितिन जी, डाटा के आधार पर 2000 में जब बिजली बोर्ड का विघटन हुआ था तो 1,25,000 रेगुलर कर्मचारी हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का डाटा 60,000 से ज्यादा वैकेंसी रिक्त है और 45,000 केवल कर्मचारी, जहाँ बिजली घरों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन गृहों की संख्या कई गुना बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे हालात में अगर कार्मिकों की संख्या में घटोतरी हुई और संसाधनों की दृष्टि से भी, हमने अक्टूबर 2020 में जब पूर्वांचल का डिस्काम का निजीकरण हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तत्कालीन ही समस्या को समझा और निजीकरण कोई समस्या का समाधान नहीं, उन्होंने एक सब कमेटी का गठन करके वार्ता करने का हमसे प्रयास किया और हमारे सामने जो वित्त मंत्री जी, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री, चीफ सेक्रेटरी और पूरा संगठन के लोग बैठ करके एक विस्तृत वार्ता लोक भवन वहाँ विधान भवन में हुई। हमने 35 पेज का सुझाव दिया कि बिजली के क्षेत्र में बेहतर सुधार कैसे किए जा सकते हैं, घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, आम जनमानस के साथ साथ प्रदेश के विकास को धरातल पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्य 2020 सितंबर, 5 अक्टूबर को हमारी वार्ता पावर कॉर्पोरेशन से हुई, 6 अक्टूबर को सब कमेटी ऑफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हुई, लेकिन उसको जो कंप्लायंस करने को उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर के टॉप मैनेजमेंट को जिम्मेदारी थी, उस पर न हमारी कभी चर्चा हुई, न उस दिशा में कोई सुधार किए गए। उसी के कारण एक लगातार हालात खराब हो रहे हैं। मैं और अपडेट कर दूं डाटा के साथ, उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में है वहाँ घाटे की स्थिति जो है 95,000 से ज़्यादा है। अभी सब्सिडी की स्थिति देखा जाए तो 20,940 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी ड्यूज है ऑलरेडी यूपी पावर सेक्टर पे। गवर्नमेंट के जो बकाए 10,347 करोड़ है, इस प्रकार 31,287 करोड़ तो ये केवल बकाएदारी की स्थिति है। जहां थर्मल सेक्टर में देखा जाए तो 203 करोड़ कोल इंडिया को अभी हमारे पावर सेक्टर को देना है, वही 11,000 सरकारी गारंटी ना होती तो बैंकक्रप्ट वाला मामला हो जाता। बड़ी स्थिति खराब है। इस पे हमने लगातार समय समय पे सुझाव दिए। क्षेत्रीय स्तर पे जो मेन मनी मटेरियल की क्राइसिस है, इन संसाधनों के लिए एक बहुत सूक्ष्म फार्मूला दिया नितिन जी कि इस व्यवस्था में 2000 में जब विघटन हुआ था तो यह निर्णय हुआ था कि ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल के
क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट उस विभाग में काम करने वाले सेवा संगठनों की एक सामूहिक समिति होगी और समय समय बैठक करके इस विभाग की बेहतरी के लिए चर्चा करके उसे लागू करेंगे। ये दुर्भाग्य की 22 साल बीत जाने के बाद भी पावर सेक्टर में वह व्यवस्था लागू नहीं हुई, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल नहीं लागू हुई और इसके कारण दर लगातार घाटा पे घाटा और क्षेत्रों में विद्युत की हालात कहीं ना कहीं अभी भी खराब है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के एक कर्मचारियों से अभी भी अपील लगातार कर रहा हूँ कि लगातार डट कर मुकाबला करें, लेकिन ऐसे हालात में जब मैन मनी मटेरियल और संसाधनों के अभाव के साथ नीतियों का कंप्लायंस और कहीं ना कहीं नियोजन की जो व्यवस्था टॉप लेवल पर एक प्रबंधन की कार्य करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, मिस कोऑर्डिनेशन है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, मैं आता हूँ। विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। विनय भाई, आप इस समस्या को किस नज़र से देख रहे हैं, कैसे इस समस्या से लड़ा जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान आप लोगों ने भी कहा था कि हम बिजली जो है उत्तर प्रदेश में मुफ्त देंगे उपभोक्ताओं को, लेकिन सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। नितिन जी, देखिए पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा गर्मी झेल रहा है, जहाँ बदायूं जिले में 47% टेम्परेचर रहा है, और सिर्फ बुंदेलखंड नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी ग्रामीण जिले हैं, हर ग्रामीण जिलों में 10 से 12, 12 से 15 घंटे बिजली कट रही है, और इसकी वजह बताई जा रही है कि कोयले की कमी। लेकिन एक चीज़ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, कोरोना के दौरान जब देश की सभी इंडस्ट्रीज बंद थी, उस वक्त भी कोयले का उत्पादन रुका नहीं था। कोल इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा कोयला पैदा करती है, हिंदुस्तान दुनिया में 3रे नंबर पे कोयला पैदा करने वाला देश है, और उसके बाद अगर कोरोना के वक्त में कोयले का प्रोडक्शन का बंद नहीं हुआ, बिजली की कंपनी और बिजली कम उपयोग में लाई गई, उसके बाद इनका रेल मंत्रालय कह रहा हमसे हमने सबसे ज्यादा कोयला ढोया, इनका कोयला मंत्रालय कह रहा कि कोयले की कोई कमी नहीं है, तो उसके और आज एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक खबर छपी है यहाँ पर इनके कोयला मंत्रालय के द्वारा, एक स्टेटमेंट आया है, कोल स्टॉक सफिशियंट CIL प्रोडक्शन शुड अप 27%। तो अगर 27% अगर पिछले सालों की अपेक्षा 27% कोयला का उत्पादन बढ़ा है तो ये कोयला जा कहाँ रहा है? मामला साफ है, मामला भ्रष्टाचार और घोटाले का है। ये कोयले ये इसको बिजली बंद करके बिजली ना दे करके ये साफ करना चाहते हैं कि कोयले की कमी है, लेकिन कोयले की कमी इनका मंत्रालय कह रहा है कि कोयले की कमी नहीं है, और अगर कोयले की कमी नहीं है तो आप बिजली कम देके और फिर बाद में प्राइवेट कंपनियों से महंगी बिजली 17 रुपये यूनिट 20 रुपये यूनिट 22 रुपये यूनिट बिजली खरीदेंगे, और जब आप महंगी बिजली प्राइवेट कंपनियों से खरीदेंगे तो उसको कौन भरेगा? उसको आम आदमी आम उपभोक्ता भरेगा। आप आम उपभोक्ता को 17 रुपये 20 रुपये 22 रुपये में बेचेंगे, कोयले का उत्पादन आप कह रहे हैं कि कम हो रहा है, आप कोयला रोक देना चाहते हैं, और उसके बाद जो इनके मित्र हैं अडानी जी, जिनको इन्होंने कोयले की खदान दे रखी है, आने वाले दिनों में वो उनकी कंपनी से बिजली ली जाएगी, उनकी कंपनी से कोयला लिया जाएगा और महंगे दामों पर उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा। तो इस पे एक जांच होने की जरूरत है। बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है, मुझे जो लग रहा है बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है, क्योंकि अगर इनका कोयला मंत्रालय कह रहा है कि पिछले साल की अपेक्षा 27% कोयले का उत्पादन बढ़ा है तो कोयला जा कहां रहा है? ठीक ठीक। अंकुर सक्सेना वासा दरली से। अंकुर भाई, कोई सुझाव कैसे स्थिति से लड़ा जाए? देखिए नितिन, ये सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी और आप लोगों को। दूसरा, ईद की पूर्व संध्या पे जावेद भाई हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और बड़े भाई भी हैं, तो जावेद भाई से ही उत्तर भाइयों को ईद की तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि ईद का त्यौहार जो है उत्तर प्रदेश में शांति एवं सौहार्द के साथ मनाया जाए, और एक बार पुनः हार्दिक बधाई। जहां तक सवाल है बिजली संकट का, देखिए बिजली संकट उत्तर प्रदेश में नो डाउट बहुत बड़ी भारी आक्रोश का विषय वस्तु बनता चला जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो एक कहते नहीं है कि अगर हम बिजली को भगवान का दर्जा दे रहे हैं 2021 की सेंचुरी में, 2021-22 में अगर हम बिजली को भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसकी नजर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह उनने पार्शियलिटी नहीं बरती है, और जैसे ही बटन दबता है बिजली गुल होती है तो सब क्या गुल होती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हम सारे भाइयों को एक कर दिया है कि बिजली के मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में 2022 के में जो नगर निकाय चुनाव होगा और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब सारे भाइयों को देना पड़ेगा, सारी जनता को देना पड़ेगा कि बिजली
आम आदमी का जो मूल अधिकार है, आम आदमी की जो जरूरतें हैं, उन जरूरत को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। जहां तक सवाल है बिजली समस्या को लेकर सुझाव का, देखिए केंद्रीय महासचिव बिजली विभाग की जो यूनियन है, यही संकेत जो बैठे हैं, उनने बहुत अच्छी बात कही है सारी। उनने जब सरकार के सामने ये पता है कि दुख है, आम आदमी परेशान है, इन जैसे अनुभवी लोगों से सरकार क्यों नहीं विचार ले रही है, इन जैसे अनुभवी लोगों की समस्याओं का क्यों नहीं निराकरण कर रही है। भाई जब हमारे यहाँ क्षमता हमारे यहाँ, आपने जैसा कहा कि जरूरत हमारे यहाँ 23,000 मेगावाट की है, प्रोडक्शन 19,500 मेगावाट हो रहा है, तो जो रेस्ट हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, तो उसके लिए तो सरकार को बहुत पहले चेत जाना चाहिए था ना, लेकिन सरकार नहीं चेती। क्यों सरकार इसलिए नहीं चेती है, क्योंकि सरकार तो इलेक्शन मोड में रहती है। आज एक इलेक्शन विधानसभा का खत्म हुआ, सरकार ने तुरंत निकाय चुनाव की तैयारी कर दी, तुरंत सरकार अब 2024 के इलेक्शन में लग गई है। दूसरा, हमारे यहाँ प्रदेश में जो ऊर्जा मंत्री बैठे हैं, तो जब तक अपने कहते नहीं है कि अपने पैर में जब तक कांटा ना लगाओ तब तक दर्द का एहसास नहीं होता है। भाई वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी से रिटायर्ड पर्सन है, उत्तर प्रदेश में आए सीधे एमएलसी बना दिए गए, अब आज की डेट में वो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री बने बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनका भेजा गया था उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। अच्छा। लेकिन जब उनका डिमोशन हो गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी ये बात भी तो है कि कहीं ना कहीं अगर डैमेज होगा तो बाबा जी के ऊपर भी तो आक्षेप लगेगा। बाबा जी बुलडोजर में लगे रहे, प्रदेश की जो बिजली है वो कहीं ना कहीं बिजली मंत्री निपटाए रहेंगे। भाई यही सरकार थी, पिछली सरकार में स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उस खराब स्थिति को इलेक्शन के समय में इन लोगों ने कंट्रोल किया और पब्लिक के सामने ये मैसेज गया कि 10 मार्च तक आपके यहाँ बिजली देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से रही, 10 मार्च तक वो क्राइसिस उभर के सामने नहीं आया, और 10 मार्च के बाद प्रदेश की जनता त्राहिमाम करने लगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और विशेषतः बाबा जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर के चक्कर में उनके धरातल की जमीन खिंच जाए और जो सेंट्रल का 2024 में वो सपना देख रहे हैं वो सपना भी क्षणभंगुर ना साबित हो। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। रामनिवास यादव जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। रामनिवास जी, सबकी बात आपने सुन ली, मैं इसीलिए आखिरी में आपके पास आ रहा हूँ। कोई कह रहा है कि भ्रष्टाचार का मामला है, जानबूझकर ये सारी चीजें की जा रही हैं, कोई कह रहा है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम में इस कदर उलझे हैं, बुलडोजर में इस कदर उलझे हैं कि आप लोग बिजली जैसी समस्याओं पर प्रकाश ही नहीं डाल पा रहे हैं, नज़र नहीं बना पा रहे हैं। और साफ तौर पर हमारे साथ जिस तरह से अभी आपने सुना कि हमारे साथी बैठे हुए हैं जयप्रकाश जी, इन्होंने किस तरह से अहम चीज़ें बताई कि कितनी बड़ी समस्या है जो बिजली घरों की है या फिर कोयले को लेकर के है, उसको लेकर के पहले भी आप लोगों को आगाह किया गया, लेकिन उन चीज़ों पर आप लोगों ने फोकस नहीं किया, उन चीज़ों पर आप लोगों ने अपनी पकड़ और अपनी नज़र नहीं बनाई, क्या कहें? नितिन जी, निश्चित रूप से इस समय बिजली संकट है, और खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि 122 साल बाद इतनी भीषण गर्मी आई है, और इसी के साथ साथ पड़ोस में युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन, उसका भी कुछ असर पड़ रहा है। तो जिस तरह से सरकार लगी है, क्यों हंस रहे हैं आप नितिन जी, जिस तरह से सरकार लगी, आप भी कह रहे हैं लगातार जो है कि सरकार लगी हुई है, और एक हफ्ते भर में सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि कोयले का जो संकट आ रहा था तो सरकार ने जो है ट्रेनों कुछ फेरे बढ़ाए हैं, कोयला आपूर्ति सुधर रही है, हमको तो एक आध हफ्ते में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। और रही बात अंकुर जी की और आम आदमी पार्टी जी की, समाजवादी पार्टी की, विपक्ष में है तो कुछ ना तो विपक्ष का धर्म निभाएंगे, झूठे साँचे कुछ आरोप लगाएंगे, क्योंकि विपक्ष में है, अगर अनर्गल आरोप नहीं लगाएंगे विपक्ष में कैसे माने जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ना कि उत्तर प्रदेश में नहीं, भाई समस्या तो दिल्ली में भी है, समस्या पंजाब में भी है, समस्या महाराष्ट्र में भी है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो एक क्राइसिस हुई है उसकी वजह थोड़ा समस्या आई है, लेकिन सरकार पूरा मुस्तैद है, एक आध हफ्ते के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। आप देखा होगा पिछले 5 साल, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे जावेद भाई बोल रहे थे, मैं एक तो इनको ईद की बधाई दे दूं, कल आपकी ईद है, आपको अच्छी ईद आपकी बीते, इसके लिए आपको डबल बधाई। और पिछले 5 साल में जब सरकार, किनकी सरकार पहले थी, तो जब लाइट आती थी तो खबर बनती थी, अच्छा, और यहाँ तो लाइट मतलब जाती ही नहीं। पिछले पूरे 5 साल गांव में 20 घंटे, तहसीलों में 22 घंटे, शहर में 24 घंटे, ये योगी जी के कार्यकाल में हुआ, और कहीं न कहीं पूरा 5 साल बिजली कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस आई जिसकी जो समस्या आई है एक आध हफ्ते का समस्या है। और जिस तरह से आपने बताया कि ट्वीट था रामनिवास जी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 12-14 घंटे बिजली आ रही है, और उसमें भी आप लोग कह रहे हैं कि बचाओ।
नहीं अब ये भाई हमने कहा ना कि विपक्ष में है तो विपक्ष को होने नाते कुछ तो बोलेंगे विपक्ष में, वरना कौन समझेगा उनको कि विपक्ष में है। भाई अभी तुरंत चुनाव हारे हैं तो विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, है लेकिन आप लोग सत्ता का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। सुनिए पहले बात, आप लोग सत्ता का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। बात सुनिए मेरी, जनता को अपने अपने विषय बोला करिए, नहीं सब विषय मत बोला करिए, अपने विषय बोला करिए, कट रही है और आप बता रहे हैं नहीं आप बिजली हम दे रहे हैं, अपने विषय में बात रखा करिए, रखिए पूरी बात। भाई अखिलेश जी भी तुरंत चुनाव हारे हैं इतनी बुरी तरह, तो खीज है तो खीज है तो किस पर निकालेंगे? हर गाहे बगाहे सरकार पर, पार्टी पर, योगी जी पर, मोदी जी पर निकालेंगे, क्योंकि अभी 4-6 महीने बाद ये फ्रस्ट्रेट थोड़ा कम होगा इनको, जब लगेगा कि वास्तव में कि उत्तर प्रदेश जनता ने सही निर्णय किया है और हमारी ही गलती थी इसलिए हम हारे हैं बुरी तरह, और अभी फ्रस्ट्रेशन में है इसलिए अगला आरोप लगा रहे हैं। जबकि पूरे देश में सबसे अच्छी व्यवस्था आज डेट में बिजली की अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। मैंने आपसे कहा ना, पंजाब देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, सबसे अच्छी पोजीशन आज डेट में उत्तर प्रदेश में है। सर पोजीशन अच्छी है तो बिजली कट क्यों रही है? नहीं अभी एक आध हफ्ते की समस्या है, उसके बाद ठीक हो जाएगी। और जावेद भाई अपनी आप ईद मनाइए, आपके पूरे रोजे जो है अच्छी तरह से निपटे हैं, और अभी एक आध हफ्ते बाद लाइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत होइए, आपकी जो है ईद अच्छी रहेगी। अंकुर भाई क्या कह रहे थे? देखिए रामनिवास जी का जो कथन है, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं तो इनकी मजबूरी भी है कि ये पार्टी की विचारधारा और पार्टी के शब्दों से परे रह के बात नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं इनके घर में भी इस समय लाइट नहीं आ रही होगी, लेकिन स्टूडियो में बैठकर इनको मजबूरी में ये बिरसना पड़ रहा है कि लाइट का लेके इनको तारीफ करनी पड़ रही है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां देखिए लाइट आ रही, पंखा चल रहा है आपका, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं लाइट होते हुए भी? देखिए रामनिवास जी, हमारे घर पे तो जनरेटर भी है और इन्वर्टर भी है और प्रभु की कृपा से साधन है, इतना तो हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है, लेकिन आम आदमी का दुख हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है ये लाइट और इन्वर्टर और जनरेटर कब तक रहेगा। हमारा मूल अधिकार है कि हमको डिपार्टमेंट को अगर हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं तो 24 घंटे लाइट लेने का हमारा अधिकार है और लाइट देना। अच्छा दूसरी बात है, आपने उत्तर प्रदेश के हम लोग निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग राजनीति कर रहे हैं, आपके केंद्रीय महासचिव जो है जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के बैठे हैं, आप उनकी बात को भी सिरे से निकाल दिए। चलिए हम लोग विपक्षी दल है, विपक्ष तो हमेशा सूक्ष्म अन्वेषण करता है, छिद्रान्वेषी होता है, लेकिन महासचिव महोदय जो है ये सरकार के ही तो बंदे हैं भाई, जेई है, जेई एसोसिएशन सरकार में काम करते हैं, संगठन के बंदे हैं, तो आप उनकी भी बात को नकारे दे रहे हैं। वो तो आपके विपक्ष में नहीं है ना, वो तो स्वार्थपूर्ण तरीके से आपकी बात बता रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे आपने यूक्रेन और रशिया को लिया है, मेरे भाई यूक्रेन और रशिया तो 2 महीने से वहां पे बाहर चल रही है, 10 मार्च तक आपका पेट्रोल डीजल का भी रेट नहीं बढ़ा था, बिजली तो उठाइए, पेट्रोल डीजल के रेट भी 10 मार्च के बाद बढ़े और बिजली की भी क्राइसिस 10 मार्च के बाद आई, जब आप लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश में जो साधन संसाधन है और इस तरीके की क्राइसिस आ रही है। जैसा कि जयप्रकाश जी ने बता दिया है कि हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया था कि और संभावना भी जताई थी कि इस तरीके की क्राइसिस आ सकती है, तब तो आप लोग इलेक्शन मोड में रहे। असल में होता क्या है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि जनता को जितना हम लोग दबाएंगे, जितना कुचलेंगे, बाद में इनको हिंदू मुस्लिम पे ले आएंगे और हम लोगों को वोट बैंक में फायदा हो जाएगा। आप जनता को कुछ नहीं देना चाह रहे, आप जनता से सिर्फ लेना चाह रहे हैं, आप जनता से आप विजन बनाए हो कि अगले 45 साल तक हम सत्ता में रहेंगे। मेरे भाई आप 45 साल तक सत्ता में रहो ना रहो, लेकिन हमारी जनता के पेट में 45 दिन का खाना और 45 दिन लाइट तो रहने दो। आप लोगों को इलेक्शन मोड से बाहर आना होगा और आपको प्रदेश की भलाई का सोचना होगा और आपको ये भी देखना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तारीफ कर रहे हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, भाई बाबा जी है, महंत जी है, मैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, बाबा जी के कार्य में दखलअंदाजी कहां से हो रही है? ऊर्जा मंत्री उसको बना दिया गया है जो केंद्र से व्यक्ति आया था, जिसको प्रदेश की कोई जानकारी नहीं है, जो MLC बनाए गए थे मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे उनको ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। पहले आप लोग भी अपनी पार्टी और अंदरूनी कहानी ये चर्चा कर लीजिए, कहीं इसकी असली जड़ कहां है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, निशाना कहीं है, जवाब ले लेते हैं। रामनिवास जी भाई अंकुर जी भी अभी इससे मैंने आपसे कहा ना कि अंकुर जी भी उसी भी अखिलेश जी के साथी हैं, बुरी तरह इनके नेता इनकी पार्टी हारी है तो खींच तो नहीं मतलब मिटाएंगे ही। रही बात योगी जी की सम्मान तो पूरा देश कर रहा, मैंने आपसे कहा ना कि बगल में आपकी दिल्ली है, पंजाब है, वहां भी देख लीजिए कटौती वहां भी हो रही है, और छोड़िए महाराष्ट्र देख लीजिए वहां भी कटौती हो रही है, लेकिन क्योंकि आप सबको इतनी ज्यादा जलन है योगी जी से कि योगी जी की ही सारी कमी बताएंगे, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में सबसे अच्छा मॉडल अगर सरकार चलाने का किसी मुख्यमंत्री को मिला है तो वो योगी जी को मिला है,
इसीलिए आप सबको तकलीफ है और इसीलिए इस खिजे आप लोग बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि बिजली संकट पूरे देश में है, एक आध हफ्ते की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन राजनीति करना है तो करिए, क्योंकि जनता आपको लगातार नकार रही है फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसे आप करते रहेंगे तो 2024 से फिर और पीछे हो जाएंगे आप, क्योंकि हम 2014 से हमारी विजय यात्रा शुरू हुई आज तक कभी रुकी नहीं है। और अखूर जी चाहे जितनी जगह गठबंधन करिए, चाहे अखिलेश जी से करिए, चाहे कांग्रेस करिए, चाहे बसपा से करिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सही दिशा में काम ही नहीं कर रहे हैं। जो जनहित काम हो आप योगी जी के पीछे पड़े, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसके पीछे पड़े, और जो अच्छे व्यक्ति के पीछे पड़ता है उत्तर प्रदेश जनता उसके पीछे पड़ जाती है, जैसे आपके पीछे पड़ी, अखिलेश जी के पीछे पड़ी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा अपना आचरण ठीक करिए, अपनी पार्टी के कार्यकलाप ठीक करिए तो जनता आपको सम्मान देगी। सामान्य नियम ये है, जो अच्छा कार्य करता है वो सत्ता में दोबारा नहीं आता है। जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने अच्छा कार्य किया, सत्ता में नहीं आ पाए क्योंकि वो साम दान दंड भेद को अपना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सारे दंड भेद अपना लिए, सत्ता में आ गई। ठीक है जावेद भाई, रामनिवास जी ने कई चीजें बताई कि क्यों ये समस्या खड़ी हुई है, और ये भी बताया कि अन्य प्रदेशों में भी बिजली कट रही है, उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर है दूसरे प्रदेशों से, क्या कहना? देखिए नितिन भाई, सबसे पहले तो बड़े भाई रामनिवास जी को, छोटे भाई अंकुर जी को और सभी आपको भी जी, और सभी पैनलिस्ट साथियों को बहुत बहुत आभार की हमें ईद की बधाई दी, हम आपको अक्षय तृतीया की आप सब लोगों को बधाई देते हैं। देखिए अब देश के अंदर अगर कोई संकट है तो वो नेहरू जी की देन है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर संकट है तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी का लगातार आरोप रहा है। ठीक है आपने जो कहा कोयला मंत्रालय राज्यों में नहीं होता, बड़े भाई रामनिवास जी केंद्र का मंत्रालय है, केंद्र सरकार जब कोयले की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है तो राज्यों में विद्युत उत्पादन होगा कैसे? उत्तर प्रदेश में आपके पिछले कार्यकाल में कितने पावर प्लांट लग गए, केंद्र सरकार को लाइसेंस देना होता है, राज्य सरकार ने कितने आवेदन दिए केंद्र सरकार को, ये जो स्थितियां हैं इससे बाहर आने की आवश्यकता है। ये मेरा कि हमको फ्रस्ट्रेशन है, रे जनता का जनादेश है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 65 साल तक आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया, 2014 में आपके मुताबिक देश को आजादी मिली, 1947 में तो गुलामी मिली थी 15 अगस्त को, आजादी 2014 में मिली, मोदी जी के नेतृत्व में देश आजाद हो गया, तो अब तो 8 साल हो गए हैं देश की आजादी, जो देश की आजादी के बाद बिजली लाइफ लाइन है, मेडिकल हेल्थ सिस्टम पूरा उत्तर प्रदेश का कोलैप्स है, आपके डिप्टी सीएम जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो खुद बता रहे हैं कोरोना काल में क्या जो आंकड़ेबाजी हो रही थी आपकी फर्जी तरीके से, उसकी पोल तो सरकार में बैठे मंत्री बृजेश पाठक जी खोल रहे, उन्होंने तो उस समय की खोली थी जब वो कानून मंत्री थे, उसके बाद भी कोई शर्म नहीं आई किसी को। शिक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरीके से शिक्षा माफिया और नकल माफिया आपके राज्य में, चाहे सरकारी भर्ती की परीक्षाएं हो, चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं हो, नकल माफिया हर समय बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, हर समय वो अपना काम कर जाते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती। सरकार जो है गरीब पत्रकारों को पीटती है, जिला अधिकारी उस पत्रकार से लीक हुए पेपर को व्हाट्सएप पे मंगाते हैं और उसके बाद राफका की कार्रवाई कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो ये नमक रोटी दिखाने पर, खबर लिखने पर पत्रकार आज वो कैंसर पीड़ित है, उनको राफका में जेल में डाल दिया गया। तो ये आंकड़ेबाजी के खेल से बाहर आइए, हर समय राजनीतिक मोड में मत रहिए। हमने अगर गलत किया था तो हमको सजा मिल गई, हम आज सत्ता में नहीं है, जनता ने हमसे पुनः जनादेश दिया, कहा कि आप जाइए सरकार की निगरानी कीजिए और जन सरोकार से मुद्दों से जब सरकार पीछा छुड़ाने का काम करे तो उसके विरुद्ध आवाज बुलंद करिए, वो हम कर रहे हैं। तो अगर देश के अंदर सभी राज्यों में अगर विद्युत उत्पादन कमजोर हुआ है, कम हुआ है, तो इसके लिए कोयला मंत्रालय जिम्मेदार है जो केंद्र के अधीन है, किसी और के अधीन नहीं है। आप कह रहे हैं एक हफ्ते में स्थितियां सुधर जाएंगी, एक से चार दिन का कोयला बचा है उत्तर प्रदेश के संयंत्रों में, एक हफ्ते बाद अब जब आप आपूर्ति देंगे तो उस समय क्या हाहाकार मचेगा। जो विद्युत कर्मचारी हैं इनकी ये कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने लगेगी उत्तर प्रदेश में, जब बिजली नहीं मिलेगी तो एसडीओ जेई लाइन माइन के फोन घनाएंगे,
ये बेचारे उठा नहीं पाएंगे आपकी गलतियों का खामियाजा, कहीं ना कहीं ये बेचारे उठाएंगे। आप जो जयप्रकाश जी ने जो बातें की हैं वो बड़ी जमीनी बातें हैं कि जब आप सही जड़ पर चोटी ही नहीं करना चाहते हैं, केवल इधर उधर की बात, आर के सिंह का बयान मैंने पहले भी कहा, पीयूष गोयल का बयान कुछ, आप इस प्रहलाद पटेल जी का बयान कुछ, जब इन बयानों से लोगों को भरवाने का और उन बयानों को बिल्कुल प्रचारित करने का जब काम करेंगे रामनिवास भाई, तो स्थिति खराब होगी, बिजली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर नहीं जाएगी, केवल मेरे घर जाएगी, जाएगी सबके घर जाएगी। आप जरा कल्पना करिए अस्पतालों की, जहाँ जनरेटर नहीं चल रहे, जहाँ पर डीजल उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार, स्थितियाँ कितनी विभत्स होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे जो बड़े शहरों की तंग गलियों में रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, उनकी स्थितियाँ कितनी विकराल हो जाएंगी। ये बच्चे हमारे आप सबके हैं। अरे चुनाव चला गया, जो चुनाव होना था हमने आक्रोश व्यंग सब कुछ किया, एक दूसरे के खिलाफ अजमाया, केवल नकारात्मक राजनीति हमने नहीं की, और अब तो सरकार बन गई, पार्ट टू चल रहा है। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हमारी जहां हो सकता हो, हम जिस लायक हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब आप समस्या का समाधान कर देंगे तो क्यों आपके विरुद्ध कोई आवाज उठेगी? ठीक है, ठीक है, जवाब ले लें, जवाब ले लें, समाधान करना, ना कि उसमें विसंगति उत्पन्न करना। ठीक है रामनिवास जी। जावेद भाई बता रहे थे जो है कि हमको जनता ने हराया है और हम जो है इसीलिए, लेकिन आपके नेता से अपने पूछिएगा कि उन्होंने एक भी कोई सकारात्मक जवाब दिया है? इतना बुरी तरह हारने के बावजूद हर भाई जो व्यक्ति प्रदेश को इतना अच्छा काम किया हो, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही हो, यहाँ तक कि कोरोना काल विदेशों में उनके मॉडल की चर्चा हुई है, उन पर आरोप लगाने काम कर रहे हैं आप लोग, आपके नेताजी सोते जागते एक ही नजर, मतलब एक ही रहते कि योगी जी हटे, योगी जी हटे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को चाह रही है, उनको हटाना नहीं चाह रही है, आपके नेताजी के कहने पे नहीं हटेंगे वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता योगी जी के साथ है और लगातार उनके साथ है, आगे भी रहेगी। और रही बात जन समस्याओं की, तो आपसे ज्यादा आपकी पार्टी ज्यादा हमारी सरकार जन समस्याओं के प्रति भजग है, उनको पूरा करने का काम कर रही है, और बिजली संकट खड़ी संकट है, इसको दूर हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदेश जाना जाएगा। ये जो संकट है इसमें बिजली कर्मचारियों को सुरक्षा दीजिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, उसके लिए आप गंभीरता से चिंतन करिए। ठीक है जावेद भाई, ठीक है। विनय पटेल, देखिए दुर्भाग्य से इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो गंजे को भी कंघी बेचने का काम करती है। वो कहेंगे कि बाल तो नहीं है आपके पास, आप कंघी खरीद लीजिए, एक महीने बाद आएगा फिर आप जारिएगा। लेकिन आप सोचिए, पेट्रोल डीजल महंगा होता है, गैस महंगा होता है, तो ये यूक्रेन चले जाते हैं, अब बिजली यहाँ पे कट रही है तो ये यूक्रेन चले जाते हैं, तब तक आप यूक्रेन यूक्रेन खेलेंगे? तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में भी कट रही है। भाई दिल्ली कटेगी, पंजाब कटेगी, हरियाणा कटेगा, गोवा कटेगा, महाराष्ट्र कटेगा, बिहार कटेगा, पूरे हिंदुस्तान में बिजली कटेगी, क्योंकि देश लेवल पर कोयले का घोटाला किया जा रहा है। इनका कोयला मंत्रालय कह रहा है कि 27% उत्पादन ज्यादा हुआ है, और जब 27% उत्पादन ज्यादा हुआ तो कोयले की कमी कहां पे है? आप अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब सुयोजित तरीके से एक सिस्टम रचा जा रहा है कि बिजली काट दो और एक माहौल बनाया जाएगा पूरे देश में कोयले की कमी है, फिर मित्र का कोयला बेचा जाएगा महंगे दामों पर, मित्र की बिजली महंगे दामों पर बेची जाएगी। आप अपने संवाददाताओं को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भेजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा जितने अच्छे पावर प्लांट है उससे कई ज्यादा अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हुए हैं। 3-5 करोड़ के लागत के हर जिले में एक कार्यालय 4 साल के अंदर में खड़ा हुआ। वो कार्यालय का पैसा कहाँ आया? अडानी ग्रुप से आया है, इनके मित्र से आया है, अब उसको फायदा पहुंचाने के लिए कुछ तो करेंगे ना। ये आप इस बात को समझिए, इस खेल को जितना आप सुलझा हुआ समझ रहे हैं, इतना सुलझा हुआ ये खेल है नहीं, ये बहुत सुलझा हुआ खेल नहीं है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है कोयले में, क्योंकि अगर 27% कोयला पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा पैदा हो रहा है, रेलवे कह रहा है हमने कोयला ज्यादा ढोया है, कोयला मंत्री कह रहे हैं कोयले की कोई कमी नहीं है, तो कोयला जा कहां रहा है? इसको तो समझना पड़ेगा ना। और रामनिवास जी कह रहे हैं कि हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, हम तो भाई विपक्ष का धर्म निभा ही रहे हैं, लेकिन आप
पक्ष का और सत्ता का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, पांच साल पूरा आपने सरकार चलाया, और जब आपसे कोई सवाल किया जाता है तो आप सपा बसपा कांग्रेस पे चले जाते हैं। अरे उन्होंने जो किया था उसका इनाम तो जनता ने दे दिया, आपको दूसरी बार सत्ता सौंपी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कोई भी आपदा आए, आपदा में अवसर तलाशने वाली पार्टी है। कोरोना का समय आया था, कोरोना का समय आया था, कह रहे उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे विश्व में दिखाया जा रहा था, आप देख रहे थे कानपुर से लेके बलिया तक लाशों का ढेर लगा था नदियों के किनारे, और लाश को जलाने के लिए लकड़ियां नसीब नहीं हो रही थी, इसी मॉडल को विदेशों में दिखाया जा रहा था। ठीक, राम निवास जी, ये भी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, कोरोना पीरियड में दिल्ली को सबसे बदतर पोजिशन में ले जाने वाला काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया था, जिसकी पूरी दुनिया में मतलब जो है निंदा की गई थी कि ऐसी सरकार कि जो हर चीज के सरकार से मांगती है। आप जैसे प्रवक्ता बैठ के सिर्फ टीवी चैनलों पर निंदा कर रहे थे, कुछ नहीं करेंगे, कोई निंदा नहीं हो रहा था, निंदा वहां हो रहा था कानपुर से लेके फ्रांस इटली अमेरिका ने तारीफ की, लकड़ियां नहीं जो है लाशों पर जलाने के लिए, योगी जी ने कोरोना पैदल आ रहे थे बैग पर लटकर, आप अपने काम किया है, ऐसा मॉडल अस्पतालों में छतों पर पानी छू रहे थे कोरोना के समय में, और आप बात बता रहे हैं अभी आपकी खबर है, आज सुबह आपके डिप्टी सरकार चलाते हैं नेता आदेश दिया है, पर एक देश के झूठे नेता है, प्रदेश के सबसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस में मरीज मर गया, एम्बुलेंस में, ये है इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, और ये बता रहे हैं कोरोना के समय की स्वास्थ्य व्यवस्था बता रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी आती है जिसको ये लोग गुमराह करके गुजरात दिखाने ले जाते हैं, गुजरात वो पहुंचती है और कहती है साहब मुझे हिंदुस्तान में और कुछ नहीं देखना, मुझे तो केजरीवाल के स्कूल देखने, आप मुझे दिल्ली ले चलो, और दिल्ली आके केजरीवाल के स्कूल देख के जाती है, वो उसको कुछ गुमराह करके गुजरात दिखाने ले जाते हैं, और आप दिल्ली सरकार से तुलना कर रहे थे, दिल्ली सरकार चुनाव के समय आप भी कह रहे थे हम फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, और आप अब 15-15 और 18-18 घंटे लाइट नहीं दे पा रहे हैं। अरे विधायकों, विधायक निवास में लाइट थोड़े कटती है, सीएम हाउस में लाइट थोड़े कटती है, गांव लाइट तो गांव में कस्बों में कटती है ना, जहां पर मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं, तो उनके दर्द को आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जनता ने जो आपको सेवा करने का मौका दिया है उसमें आप लोग इतने अहंकारी हो चुके हैं कि आप जनता के दर्द को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जयप्रकाश जी हम आपके पास आते हैं। अच्छा जयप्रकाश जी, एक डाटा और है, मैं आपके पास आऊँ उसके पहले बता दूं कि एनर्जी एक्सचेंज जो पहले बिजली हमें देता था वो 12 रुपए पर यूनिट देता था, अब शायद वो 17 रुपए देने लग गया है, तो इसमें भी एक बड़ा खेल हो रहा है क्या? नितिन जी, मैं पहले तो जावेद भाई सहित प्रदेश भर के सभी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं देश भर दुनिया में, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व कल है, पूरे देश भर के लोगों को बधाई मेरी ओर से आने वाली ईद की। अभी कई बात मैं देख रहा था, हमारे विद्वान प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखते, बहुत से अच्छे प्रवक्ताओं ने विषय पे कंसंट्रेट, लेकिन कतिपय प्रवक्ताओं ने भी विषय से डिरेल होते हुए, मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी करना न मेरी ड्यूटी में है, न मेरी आदत में है, न जनहित में और किसी कार्मिक हित में है। आपने बताया जो परचेज की बात मैं ब्रीफ कर दूँ, फिर मैं कुछ डाटा आपके बीच रखूँगा। अभी उत्तर प्रदेश की जो एनर्जी का रेगुलेटर है उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि एनर्जी का जो एक्सचेंज से हो या कहीं से खरीदारी, मैक्सिमम उन्होंने एक कैप लगा दिया कि 12 रुपए पर यूनिट से अधिक कहीं नहीं ले सकते, लेकिन इन बीच में जो 4-5 दिनों में भारी संकट आया तो जो एक्सचेंज पर लगातार उस पर रेट आ रहे थे, कहीं 17 रुपए तो कहीं 19 रुपए 20 पैसे के आसपास भी जा रहा था। हालांकि कैप का भी कुछ लेना देना नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर प्रदेश के, हालांकि पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजमेंट ने इस पे ऑब्जेक्शन फाइल की है उत्तर प्रदेश के स्तर से भारत सरकार की ओर कि ये कैप को जो है एक्सटेंड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका भार आम जनता में आने वाला है। मैं दूसरी ओर आपको जो ले जा रहा था कि आप लोग कई बार अस्थाई बात नहीं कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि अस्थाई सेवा या अस्थाई जो व्यवधान लगातार आ रहे हैं, परमानेंट व्यवधान आ रहे हैं, जिसका निदान परमानेंट खोजना पड़ेगा, अस्थाई समाधान खोजे बिना केवल टेम्परेरी बात किए जाना। हमने पहले ही फेज में कहा कि जब जो है कर्मचारियों की संख्या, बिजली घरों की संख्या, उत्पादन गृहों की संख्या 1/10 हुआ करती थी, तो कर्मचारियों की संख्या 1.25 लाख हुआ करती थी और मटेरियल से पूरा लैस हुआ करते थे। आज की स्थिति उसका 1/3 के आसपास जो है कार्मिकों की संख्या रह गई। आपको बताऊं कि लखनऊ जैसे शहर में बिजली का जो ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन, 1500 ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। अच्छा। आपके कंडक्टर की स्थिति बड़ी क्राइसिस है, 500 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर केवल लखनऊ में रिवैम्प योजना के तहत प्रस्तावित किए गए हैं, जो पूरे
प्रदेश के बिजली के स्टोर हैं, वहां पर एबीसी जो कंडक्टर जो आपने देखा होगा कि ओवरहेड खुला तार हटा के वहां एबीसी लगाए गए, कहीं पे भी प्रॉपर मात्रा में नहीं है। इन तमाम विषयों पे हम लगातार फोकस करते रहे और जो घाटा की स्थिति है लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे उत्पादन गृह का पैसा हो वो लगभग 12,800 कुछ करोड़ रुपए अभी बकायेदारी है, तो वही सब्सिडी का जो है उत्तर प्रदेश सरकार को जो कॉरपोरेशन को देना है 20,940 करोड़, या गवर्नमेंट बकायेदारी 10,347 करोड़, ये लगातार जो घाटे इस पर भी हमें अनुसरण करना चाहिए और आम जनता के हितों के सरोकार के लिए सबको मिलकर सामूहिक चर्चा करने की आवश्यकता। आज क्षेत्रों में जावेद भाई की बात में बड़ा श्रवण कर रहा था, धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने कर्मचारियों को दर्द को समझा। आपको बताऊं कि बरेली में बिजली घर पे अंदर जाकर वहां पर तमाम लोगों ने जो है जूनियर इंजीनियर एसडीओ कर्मचारियों के साथ भयंकर प्राणलेवा हमले हुए। पूरे प्रदेश में पर डे जो है एक दो जगह ऐसे हैं जहां मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए भी संगठन के स्तर से उत्तर प्रदेश की सरकार और मैनेजमेंट को हमने प्रस्ताव दिया था कि जैसे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आपने बनाया उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, जिससे कम से कम इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम लगे। जहाँ क्षेत्रों में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही, इलाहाबाद में तो आपको बता दूं, आप सुनकर ताज्जुब होंगे, क्षेत्रों में मारपीट हो जाए एक आम घटना है डिस्कनेक्शन के समय, बिजली चेकिंग के समय, लेकिन बिजली घर के अंदर के बजाय पावर हाउस के अंदर के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सियन बैठता है उसके कमरे में जाकर के लोगों ने कहीं ना कहीं एक जो है प्राणघाती हमला किया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। हमने लगातार उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट को इसको हाईलाइट किया, लेकिन आज भी दुर्भाग्य की प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। इन सभी बिंदुओं के साथ बिजली थाने 75 खोले गए। बिजली थानों का यह उद्देश्य था कि प्रभावी बिजली चोरी जो है रोकथाम की जाएगी और बिजली के जो चोर हैं अगर FIR होगी तो समय से उन पर बंदी से उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, इस समस्या से लड़ा कैसे जाए, कैसे इसको टैकल किया जाए, कैसे नया रास्ता ढूंढा जाए? एक ही समाधान है। 2000 में बिजली बोर्ड का विघटन हुआ था, तत्कालीन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने जो प्रस्ताव रखे थे और उसका बाकायदा हमारे पास दस्तावेज है, 25 जनवरी 2000 को एक दस्तावेज है कि आने वाले दिनों में बिजली के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो व्यवस्था संचालन है ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल का गठन होगा। फिर दोहरा दूं कि ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या है, एक तो मैनेजमेंट सरकार और शासन है, दूसरी ओर कर्मचारी प्रतिनिधि है जो कर्मचारियों की समस्या और अपने तकनीकी विशेषज्ञ के माध्यम से इस विभाग की खामियां कमजोरियां और व्यवस्था सुधारने का सलाह देते हैं। 2000 से 2022 हो गया, लगातार हम हाईलाइट करते रहे और 20 जो है बता रहा हूँ कि मैं 6 अक्टूबर 2020 को भी इसका सुझाव प्रस्ताव रखा, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के शिखर टॉप मैनेजमेंट ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं एक संवाद जो रचनात्मक संवाद होकर के सकारात्मक कार्रवाई सकारात्मक दिशा में बढ़ना चाहिए वो नहीं हो रही, कहीं ना कहीं उसका ठीकरा मैं पुनः दोहरा दूँ कि इसके बीच कई हमारे प्रतिनिधियों ने अलग अलग तरीके से बातें की, उस पर हम कहें तो ये पॉलिटिसाइज हो जाएगा, लेकिन जो 1948 के बाद भारत जब आज़ाद हुआ 1950 में देश में जो योजना आयोग स्थापित हुई जिसके कारण देश भर में पूरा बिजली के क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन 2015 जो जनवरी में नीति आयोग के बहाने देश के सभी सार्वजनिक सेक्टरों को एक निजीकरण के मुहाने की ओर ले जाने का एक कुत्सित प्रयास चल रहा है। सरकारी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिकों को कहीं कहीं नकारा घोषित करके देश की संवैधानिक व्यवस्था में जो व्यवस्था है लोगों का रिप्रेजेंटेशन इन सब पे कहीं कहीं प्रहार हो रहा, इसलिए हमारा सुझाव है कि सामूहिक और सकारात्मक सोच के साथ जो सुझाव समय समय पर जिस भी स्तर से विशेष रूप से इसके विशेषज्ञ आप यह बात से ही जानना चाहूंगा जो हमारे प्रतिनिधि सभी से मैं जानना चाहूंगा कि एक तरह से एक 2000 में जब विघटन हुआ था तो घाटा उस समय 70 करोड़ था, आज घाटा 75 करोड़ है। उस समय निर्णय हुआ था कि भविष्य में अगर घाटा बढ़ा है सुधार नहीं हुआ तो हमें पुनः इसको बिजली बोर्ड की ओर बढ़ना होगा। विघटन एक प्रयोग था, विघटन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, लेकिन 70 करोड़ से 95,000 करोड़ हो गया और हम आपको बताएं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हमें पता है कि 600 किलोमीटर लखनऊ से है, लेकिन जब हमारा मीटर 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर उठा के 10,000 किलोमीटर पहुंच जाए तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमें यहाँ रुक करके विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए? आखिर आप पूछेंगे किससे जो उसका जानकार होगा, जो उस रास्ते का जानकार होगा, उस विभाग का विशेषज्ञ होगा, आप उस विभाग के विशेषज्ञों के उसके तकनीकी ज्ञान का या सलाह का
कहीं समय समय पे उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण कर्मचारियों की स्थिति, जनता की स्थिति और आने वाले देश में, एक बात लास्ट में कहते हैं, किसी अंकुर जी ने कहा था ये गार्ड का विभाग, वास्तव में गार्ड का विभाग है, तो गार्ड कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फील बाय देयर इफेक्ट ओनली, ये केवल उसके प्रभाव से जाना जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी सीन, इलेक्ट्रिसिटी फील बाय देयर इफेक्ट ओनली, जी ओ डी गार्ड है, तो जी का फार्मूला मैं बता दूं, गार्ड से ईश्वर है, तो यहाँ जी से जनरेशन भी है, ओ से ऑपरेशन भी है और डी से डिस्ट्रीब्यूशन भी है। इस प्रकार जो है बिजली के लोग ईश्वरीय विभाग के दूसरे चमत्कारिक रूप हैं। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से अपील करता हूँ कि आप बेहतर सेवा देने के लिए पूरी क्षमता के साथ कार्य करें, आम जनमानस में एक अच्छा वातावरण हो। सरकार से भी अपील है, इनकी कठिनाई, इनकी व्यवहारिक समस्याओं को और उत्तर प्रदेश ऊर्जा सेक्टर को अच्छे मोहने पर ले जाने के लिए जो सुझाव समय समय पर दिए गए हैं, चाहे जवाब ले ले, जवाब ले ले जयप्रकाश जी, समय कम है, समय कम, समय कम है। रामनिवास जी, जयप्रकाश जी ने कई सारी अहम चीज़ें बताई हैं, मैन पावर कम है, टेक्निकल चीज़ें कम हैं, प्राइवेटाइजेशन की भी समस्या जो है वो कहीं ना कहीं इससे ही जुड़ी हुई है, तो इन समस्याओं पर भी विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने कहा कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कभी भी डिस्कशन नहीं किया गया, कई बार इन लोगों ने कोशिश की बात करने की लेकिन नहीं किया गया, और अगर किया जाता तो शायद इस तरह की समस्याएँ नहीं होती जो उत्तर प्रदेश और देश में खड़ी हो रही। नहीं नितिन जी, क्योंकि आप कर्मचारी हैं, आपको लगता है कि सब कुछ कर्मचारी ही करते हैं, इसके अलावा बाकी सब नकारा हैं। मैं आपसे एक उदाहरण दे दूं, आप अभी स्टेट बैंक जाइए, HDFC बैंक जाइए, दोनों बैंक में कितना फर्क पड़ेगा। तो वैसे सरकार अगर कोई प्लान करती है तो निश्चित रूप से कुछ उसके फायदे भी होते हैं, कुछ उसके निगेटिव होते हैं। निगेटिव रूप में कर्मचारियों को माला, जैसे उनको लगता है कि हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी। पूरे देश में जब कोई छावा पड़ता है तो कोई अधिकारी कर्मचारी के यहाँ करोड़ रुपए मिलता है, किसी प्राइवेट वाले का नहीं मिलता है, क्योंकि उन पर इतनी बंदिशें होती हैं। इसीलिए सरकार जब अच्छे कदम के लिए आगे कदम बढ़ाई है तो निश्चित रूप से कुछ को समस्या आएगी, तो जनता को उसका फायदा भी होगा। अभी तो आप देखिएगा जो है कि जिसमें BSNL पहले था, 15-15 जो है एक उसका पड़ता था काल का, आज सब फ्री हुआ है, तो कहीं ना कहीं निजीकरण की वजह या अच्छा काम करने की वजह। जावेद भाई कुछ कहने देखिए, नहीं ये जावेद जी भी तो रहे 10 साल, कहे नहीं इसको ठीक कर लिए। अरे आप भी तो हैं, आज हम तो ठीक कर रहे हैं, जो कुछ है हम ही ठीक कर रहे हैं, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 18 घंटे गांव बिजली दे रहे हैं, 22 घंटे कस्बों बिजली दे रहे हैं, तो हम ठीक करने काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी पर डालो, आपने तो आपको बिल्कुल पवित्र नदी की तरीके से आपकी धारा बह रही है। ये जनता ने, जनता ने तय कर दिया है, 2014 में तय किया, 17 में तय किया, 19 तय किया, 22 तय किया, 2024 में फिर तय करेगी। अंकुर भाई क्या कह रहे हैं, जल्दी से आपका कर्मचारियों को बरगला के आपने जो है कहा कि पैसा लागू करेंगे, कर्मचारी आपके बरगलाने में नहीं आए, फिर भी जो है आपको समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है, उनके कामों के साथ है, इसलिए उनके कामों की तारीफ करिए। ठीक है जावेद भाई, अंकुर भाई क्या कह रहे हैं। देखिए नितिन जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, ये जब दूध में मक्खी आती है ना तो लोग निकाल देते हैं, ये दूध में मक्खी को भी निकल के पी लेते हैं, इनको ये नजर ही नहीं आ रहा है आज की डेट में कि अगर हम लोग चलिए विपक्ष के नाते अपनी बात को रख रहे हैं, जो कि हमारी ड्यूटी है कि सरकार के कार्यों को चेताएं कि जनमानस को क्या नुकसान हो रहा और किन नीतियों से नुकसान हो रहा है, तो ये उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। इनको हम लोगों में विपक्ष नजर आ रहा है, और जो जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के महासचिव बैठे हुए हैं, ये अब उनके ऊपर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी आक्षेप लगाने लगे। अरे वही कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब आपका विनाश निकट आ रहा है और इसीलिए आप अपने पुराने कार्यों को गिरा रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये नजर नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट आपको इसलिए नहीं मिला है, 77 सीटों पर मात्र 5 लाख वोटों से आपकी सरकार बनी है। समय का मैं जवाब ले ले फिर खत्म करते हैं। रामनिवास जी, नहीं अंकुर जी की खीज है भाई, हमने कहा ना आपकी ये पूरे दल मिलके जो है योगी जी को हरा रहे, काम कर रहे थे, नहीं हरा पाए, क्योंकि जनता आपको नकार रही है, आगे भी नकारेगी। आप जनहित में सोचिए, जनहित के बारे में आपने नेताओं को समझाइए, वो काम करें, जनता आपका साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश और देश में लगातार बिजली की जो समस्या है वो खड़ी हो रही है, हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोशिश बहुत की कि इस स्थिति को बेहतर करने का हर कदम उठाया जाए, और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन हर साल और अब तो 6-6 महीने पर ये स्थितियां क्यों खराब हो रही है, इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीनेश अंति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।